अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले सीएम योगी आज एयरपोर्ट पहुंचे, उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी रहे। सभी ने एयरपोर्ट के निर्माण काम में जायजा लिया। टर्मिनल बिल्डिंग में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। सीएम योगी और मंत्रियों के निरीक्षण के बाद एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर चर्चा की। वहीं सभी ने राम मंदिर निर्माण स्थल पर जाकर तैयारियों को भी परखा है। बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही श्रीराम एयरपोर्ट पर हवाई उड़ान शुरू हो सकती है। यहाँ सबसे पहले दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू की जा सकती है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। आज हम लोग आए हैं, केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार, जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए, और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। चाहे एयर साइट से हम देखें, चाहे सिटी साइट से देखें, जो नकाशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है